नमस्ते फ्रेंड, मैं ममता ममता कृषि में ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी राउंड डिज़ाइनर कुशन। वो काफ़ी अच्छा और खूबसूरत लगता है और बनाना भी बहुत इजी है। इसे कोई भी बना सकता है। एक डेढ़ घंटे में आपका ये कुशन बनके तैयार हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कुशन दिखता कैसे है। लग रहा है ना खूबसूरत? इतना ही खूबसूरत लग रहा है, इतना बनाने में भी इजी है। मैं आपको बताऊंगी ये किस तरह से बनता है। आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप। वेलवेट के कपड़े से बनाया हुआ है ये। चलिए तो हम बनाना शुरू करते हैं राउंड डिजाइनर कुशन। चलिए, हमें गोल कुशन बनाने के लिए हम आधे मीटर का कपड़ा लेंगे। ये हमने वेलवेट का कपड़ा लिया है। हम आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। ये हमारा होगा 36 इंच का और ये हमारा होगा 14 इंच का। इसको हम इस तरह से ले लेंगे और इस तरह से हम लोग कटिंग कर लेंगे। इसको इस तरह से ऐसे मोड़ देंगे उल्टा करके। हमने इस तरह से इसको मोड़ दिया है इस तरह से, और इस तरह से हम इसको सिलाई कर देंगे। सिलाई मशीन हम सिलाई करके आते हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से सिलाई कर लिया इसको। अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। हमारा इस तरह से सिलाई हुआ है, हमने इस तरह से सिलाई किया है। अब हम इसको एक तरफ से ब्लॉक करेंगे। हम लोग यहाँ से कच्चा सिलाई करेंगे। चलिए हम कच्चा सिलाई करते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने ये बड़ा वाला सुई लिया है और हमने ये धागा लिया है। ये मजबूत वाला धागा हमने लिया है, नायलॉन का धागा ये हमारा। अब इसको हम इस तरह से करेंगे। हम लोग ये कच्चा सिलाई करते रहेंगे ऐसे। इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। चलिए हम स्टफिंग भरते हैं। ये देखिए, हमारा स्टफिंग है। हमने रुई लिया है सॉफ्ट वाला, इसमें हम इस तरह से डालेंगे फैला के। ये देखिए, हमने स्टफिंग भर दिया इस तरह से। अब हम लोग जैसे नीचे हमने कच्चा सिलाई किया था, वैसे ही हम ऊपर भी कच्चा सिलाई करेंगे। हम इस तरह से धागा ले लेंगे। ये हमारा बड़ा वाला सुई है, ये नायलॉन वाला धागा है मजबूत वाला। ये हमने चार फोल्ड किया हुआ है, इसमें दो फोल्ड करके डालेंगे तो हमें चार फोल्ड हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से कच्चा सिलाई करेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमारा ये स्टफिंग भर चुका है। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए हम किस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं।
हमारा ये राउंड कुशन बनके तैयार हो गया है, लग रहा है ना खूबसूरत। तो हमारा ये कुशन बनके तैयार हो गया है, काफी खूबसूरत लग रहा है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आप ये घर में बनाएंगे। अब कैसा बना है मुझे बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरह का और वीडियो लाने का। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा सीखने के लिए, तब तक के लिए नमस्ते।